नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टीजमेंट नंबर 50 जो आने वाला है से संबंधित जो GK का पार्ट है कंपलसरी होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए। इकाई 3 जो कि संबंधित है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT से। ICT का जो देखिए पूरे यूनिट में 3 टॉपिक है। सेकेंड टॉपिक जो इंटरनेट और ईमेल का आधारभूत ज्ञान है उससे संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 3 के अंतर्गत पहले टॉपिक की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। पाठ्यक्रम आपका है इसके अंतर्गत तात्पर्य लाभ और दुष्परिणाम। देखिए तात्पर्य लाभ दुष्परिणाम ये तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन जो आपका पेपर आते हैं उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे सारे प्रश्न आते हैं तो उसको भी हम कवर करेंगे। ICT क्या है? तो दोस्तों जैसा आप लोग जानते हैं कि ICT का तात्पर्य है कि किसी भी सूचना को संचार के माध्यम से अन्य लोगों तक प्रसारित करना। संचार के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं? तो संचार के माध्यम मोबाइल, रेडियो, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जो है संचार के माध्यम के अंतर्गत आते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही पर्यायवाची है। इस प्रकार से ICT को अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत IT के साथ साथ दूरभाष संचार, प्रसारण मीडिया, सभी प्रकार के ऑडियो एवं वीडियो का प्रसारण इत्यादि शामिल किया जाता है। ICT के इतिहास पर अगर नज़र डालें तो सर्वप्रथम 1997 में डेनिस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई रिपोर्ट में ICT शब्द का प्रयोग किया गया और सन 2000 में ब्रिटेन की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संबंधी दस्तावेजों द्वारा इसे प्रचारित किया गया। यानी देखिए ICT शब्द का जो प्रयोग था वो सर्वप्रथम 1997 में डेनिस स्टीवेंसन द्वारा किया गया था। ब्रिटेन की सरकार को उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी, बट वास्तव में जो ICT शब्द का प्रचार हुआ है वो तब हुआ जब इसको जो ब्रिटेन का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें इस शब्द का जिक्र किया गया। सूचना संचार प्रौद्योगिकी के कुछ घटक हैं, जो प्रमुख घटक है उन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला जो है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी संबंधित है। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, बड़े मेन फ्रेम कंप्यूटर, सर्वर, इनपुट आउटपुट, संग्रहण युक्तियाँ यानी आपके स्टोरेज डिवाइस इत्यादि आती हैं। दूसरे नंबर पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी की आती है। इसमें जिस प्रत्येक प्रकार के जो सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वेब ब्राउजर है, डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली आदि शामिल किए जाते हैं। तीसरे नंबर पर दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर, नेटवर्क सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी, सूचना का कूटन आता है। और अंत में मानव संसाधन। देखिए सारी जो व्यवस्था है कंप्यूटर है सॉफ्टवेयर ये तभी काम करेंगे जब इनको कोई चलाने वाला और बनाने वाला हो। तो इसके अंतर्गत जो तंत्र प्रशासक है, नेटवर्क प्रशासक है, ये लोग आते हैं। अगर इस वर्ड को हम और डिटेल में देखें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को, तो सूचना का तात्पर्य है कि आपको सूचना कैसे मिलेगी। तो आप सूचना अध्ययन से, शोध से, खोज से प्राप्त कर सकते हैं। संचार के जो माध्यम है वो इंटरनेट है, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग है जैसे व्हाट्सएप वगैरह वगैरह आप यूज करते हैं आदि। और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत टेलीफोन, TV, रेडियो आदि को शामिल किया जाता है। तो अब बात करेंगे ICT की क्या क्या लाभ है। देखिए जब से ICT आया है तब से सूचना प्राप्त में बहुत कम समय लगता है। आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप UP में भी हो सकते हैं, UP के बाहर से भी हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं लखनऊ से हूँ और यहीं से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, और जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो सूचना प्राप्त में जो समय लगता था, पहले क्या होता था, आप बुक्स खरीदते थे या अन्य भी हम माध्यम की बात करें कि कोई व्यक्ति आपके घर का कोई सदस्य किसी दूसरे राज्य में रहता था, तो आप लोगों को याद होगा कि आप लोग जो पोस्ट कार्ड होता था अंतर्देशीय होता था उनमें हम लोग लेटर लिखते थे और उसको भेजते थे। कई दिनों बाद जो है वहाँ पर चिट्ठी प्राप्त होती थी और उसके बाद जो रिसीवर था उसको पढ़ता था और वहाँ से जवाब देता था। तो इसमें कभी कभी महीनों लग जाते थे। तो बट ये ICT का ही कमाल है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको, मुझे कोई मैसेज देना है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मैसेज टाइप करके मुझे भेज सकते हो। तो इस तरीके से सूचना प्राप्त में बहुत कम समय लगता है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी ईमेल अगर आप भेजते हैं तो वो इंटरनेट पर यानी सर्वर पर प्रकाश की चाल से चलता है यानी लाइट के वेग से चलता है। कम लागत पर सूचना प्राप्त है। जब से Jio आ गया तो इसमें और भी आसानी होगी। Jio ने डेटा प्लान इतना सस्ता कर दिया कि आज की डेट में जो
डेटा है वो बहुत सस्ता है और सभी लोग आसानी से आईसीटी का यूज कर पा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा किस प्रकार से मिला? आप मान लीजिए आज आपके पास फ़ोन है, इसके माध्यम से आप बैठे बैठे वर्ल्ड में किसी भी देश में विजिट कर सकते हैं, किसी भी से आप जो है चैटिंग में बात कर सकते हैं। मैं बताऊँ कि एक प्रोफेसर हैं कनाडा में है, उनकी एक बुक थी मैं सर्च कर रहा था मुझे नहीं मिली, तो बहुत मुश्किल से मुझे जो है फेसबुक पर उनकी आईडी शो हो गई और उसके द्वारा मैंने कॉन्टेक्ट किया और कई बार मेरी बात भी हुई है। तो ये आईसीटी के कारण ही पॉसिबल हुआ है। स्रोतों का प्रभावी उपयोग, आप स्रोतों का प्रभावी उपयोग आप कैसे कर सकते हैं? एक उदाहरण के तौर पर आप यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, आपके आगे दो टारगेट हैं, एक तो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना है और दूसरा आपको जीके भी पढ़ना है। जीके, अब जीके पढ़ने में आप कंपेरिजन कर सकते हैं कि आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कहाँ पर सबसे सटीक जानकारी मिलेगी और इस माध्यम से आप ये डिसाइड कर सकेंगे कि जो भी आपको डेटा देना, जो भी समय आपको देना, उसके लिए कौन सा रिसोर्स आपके लिए सबसे बेहतर होगा। जैसे कि इस समय आप सार्थक क्लासेस पर वीडियो देख रहे हैं और आपकी इस आवश्यकता को मैं सदैव में ध्यान में रखता हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मैं आपको डेटा दूँ वो आपके एग्जाम से संबंधित हो। नई खोजों को बढ़ावा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से व्यापार को बढ़ावा। अभी अगर हम बात कर लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड है उसमें काफ़ी उछाल आया है कोविड के कारण, और केवल भारत में नहीं बल्कि अगर हम विश्व का भी डेटा निकालें तो इसमें हमको एक बहुत अधिक उछाल देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक अंतर को कम करना, देखिए आईसीटी के कारण हम लोग टेलीविज़न पर इंटरनेट के माध्यम से किसी भी देश की संस्कृति को, किसी भी देश के लोगों के रहन सहन को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको उससे संबंधित और अधिक जानकारी भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आईसीटी की ये देन है कि जो सांस्कृतिक अंतर है उसको भी कम करने में काफ़ी मदद मिली। नई नौकरियों का सृजन, देखिए एक बार जब कंप्यूटर आया था और हर विभाग में कंप्यूटर लगाया जा रहा था तो ये ज़रूर लगा था कि जो नौकरियाँ वो कम होंगी, बट ऐसा नहीं, नौकरियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पारदर्शिता को बढ़ावा, किस प्रकार से? आज की डेट में चाहे वो डीएल हो, ठीक है, खतौनी हो, या किसी भी विभाग की हम बात कर लें जो डेटा संबंधित है, अब रिजल्ट की बात कर लीजिए, सारे रिजल्ट सब कुछ ऑनलाइन होता है, किसका सिलेक्शन हुआ, किसका नहीं हुआ, आईटीआई और किसको कितने नंबर मिल रहे हैं, सब कुछ जो है पारदर्शी हो गया है आईसीटी के यूज करने से। और जब पारदर्शिता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है जो भ्रष्टाचार था उस पर अंकुश लगेगा। तो ये कुछ लाभ थे। आईसीटी से कुछ हानियां भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। क्या? सबसे पहली बात है कि जो बदलती टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अगर बदलती टेक्नोलॉजी के साथ आप अपडेट नहीं रहते तो नौकरी जाने का जो भय है वो बना रहेगा। सूचना जानकारी की विश्वसनीयता पर संदेह, देखिए ये कैसे कि सपोज दैट मैं नोट्स बनाता हूँ तो आप लोगों के लिए ऐसा तो है नहीं दोस्तों कि मैं कुछ नया रिसर्च करता हूँ, मैं अपना ही सारा कुछ ला के बता दूँ। आप लोग भी पढ़ते हैं तो जानकारी आप लोग भी किसी की बुक से ही पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से जो आप ज्ञान है उसको अर्जित करते हैं। अब नेट के माध्यम से जो आपको डेटा मिलता है वो 100% श्योर हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो आप लोगों के लिए सर्च कर रहा होता हूँ मैटर, तो एक ही घटना के कई कई ईयर मिल जाते हैं और मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि एक्चुअल में जो असली डेटा है वो कौन सा है। तो सूचना या जो जानकारी आपको मिलती है उसमें थोड़ा संदेह रहता है। और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन में भी मैंने आपको इस बात को बताया था कि जो सेकेंडरी डेटा होता है उसकी विश्वसनीयता पर सदैव संदेह बना रहता है। पर्सनल प्राइवेसी सुरक्षित नहीं है। आज की डेट में आप किसी के विषय में जानना चाहते हैं तो एक सबसे अच्छा माध्यम है कि आप लोग फेसबुक चलाते हैं। फेसबुक में आप जो है किसी की भावना को समझ सकते हैं और आज की डेट में सभी लोग जो है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही रखते हैं। तो अगर किसी हैकर ने आपका पासवर्ड चुरा लिया तो आपकी जो पर्सनल प्राइवेसी वो सुरक्षित नहीं बचेगी। इंटरनेट क्राइम लगातार बढ़े हैं, इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी बहुत होती है और जो डेटाबेस है वो असुरक्षित है। कंप्यूटर जनित धोखाधड़ी विशेषकर बैंक के संदर्भ में देखने को मिलती है और इलेक्ट्रॉनिक वायरस की संभावना लगातार बनी रहती है और इलेक्ट्रॉनिक वायरस आपका काफ़ी नुकसान पहुँचा सकता है। तो ये कुछ जानकारी थी आईसीटी संबंधित। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर संबंधित, जो बहुत अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, काफ़ी उसको हमको देखना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उससे संबंधित नोट्स की। फिर जी हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर क्या होता था? निश्चित निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन या यंत्र।
अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर की कार्य के चरण कितने होते हैं, यानी कंप्यूटर कितने स्टेप में किसी कार्य को संपादित करता है। तो देखिए प्रमुख तीन स्टेप होते हैं, पहला कि इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग, जो भी आप इनपुट कंप्यूटर को देते हैं कंप्यूटर उसका प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद में कंप्यूटर फाइनल अपना रिजल्ट शो कर देता है आपको, यानी आउटपुट दे देता है। इसके दौरान कंप्यूटर जो है आवश्यक जानकारी को अपने पास स्टोर भी करता है। कंप्यूटर की के इतिहास पर एक नज़र डाल लेते हैं, तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियाँ और उनमें प्रयुक्त डिवाइस। सबसे पहले प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की बात करेंगे, जिसका समय था लगभग 1940 से 1956। इस प्रकार के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था और मेमोरी के लिए जो है मैग्नेटिक ड्रम्स का प्रयोग किया जाता था। इसमें जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे इसमें मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था, जैसे कि यूनिवैक, यूनिक। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में जो है वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कोबोल और फोर्टान का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया। इसका समय था लगभग वही 1956 से लेकर के 1963 का। तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर का जो समय है 1964 से 1971 तक, और इसमें आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग प्रारंभ हो गया। इसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता थी वो काफ़ी बेहतर थी और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग प्रारंभ हो गया था, किसमें, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, और इसको मार्केट में भी लॉन्च कर दिया गया था। चतुर्थ पीढ़ी कंप्यूटर की अगर बात करें तो 1971 से 1985 के बीच में, और इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग प्रारंभ कर दिया गया था। पंचम पीढ़ी कंप्यूटर 1985 से लेकर अब तक जो हम देख पा रहे हैं, और इसकी खास बात है पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की, इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग होने लगा है। इसके साथ वॉइस रिकॉग्निशन का भी प्रयोग देखने को मिल रहा है हमें पंचम पीढ़ी कंप्यूटर में। अब एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस है, कौन सी आउटपुट डिवाइस है, या इनमें से कौन सा भिन्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रमुख इनपुट डिवाइस है उनके नाम है कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, वॉइस रिकॉग्निशन, बारकोड रीडर यानी BCR, ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, माउस आदि। और आउटपुट डिवाइस की अगर बात करते हैं तो मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, स्पीकर। देखिए माउस भी कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार के माउस होते हैं, कौन कौन, यांत्रिक माउस, प्रकाशी माउस और वायरलेस माउस। कंप्यूटर बोर्ड, जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसकी मुख्यतः चार भाग होते हैं, कौन कौन से, फंक्शन की जिनकी संख्या 12 होती है, अल्फा न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की और स्पेशल की। देखिए जो कीबोर्ड है कई प्रकार के आते हैं, उनमें जो की संख्या होती है वो भी अलग अलग होती है। अब हम मेमोरी की बात करें तो देखिए मेमोरी जो है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी भी दो प्रकार की होगी, ठीक है, एक कैश मेमोरी जिसके अंतर्गत रजिस्टर इत्यादि आते हैं, दूसरी मुख्य मेमोरी। मुख्य मेमोरी के फिर दो पार्ट होते हैं, रोम और रैम। फुल फॉर्म अभी हम बाद में बात कर लेंगे, पूरे फुल फॉर्म हमने लास्ट में दिए हुए हैं। रोम में तीन प्रकार की रोम आती है, PROM, EPROM और EEPROM। रैम पुनः दो प्रकार की होती है, SRAM और DRAM। द्वितीयक मेमोरी चार प्रकार से हो सकती है, HDD, FDD, DVD और पेन ड्राइव। हम देखिए एक और नज़र डाल लेते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स हैं, जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए एक बिट जो होता है बाइनरी डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट क्या होता है, 0 और 1 होता है। 8 बिट्स को मिलाकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 MB यानी मेगाबाइट, 1024 MB इक्वल टू 1 GB यानी गीगाबाइट, और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 TB, 1024 टेराबाइट इक्वल टू 1 PB यानी पेटाबाइट, 1024 PB इक्वल टू 1 EB यानी एक्साबाइट, 1024 EB इक्वल टू 1 ZB यानी ZB, और 1024 ZB इक्वल टू 1 YB यानी YB, और 1024 YB इक्वल टू 1 BB, और 1024 ब्रोटोबाइट इक्वल टू 1 GB, जो कि सबसे बड़ी इकाई है मेमोरी की। अब नज़र डाल लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को संचालित और नियंत्रित करने हैं जो सॉफ्टवेयर का समूह होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, शॉर्ट में इसको हम OS के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रिसोर्सेज का प्रबंधन करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम कार्य पर नज़र डालें तो मुख्यतः 6 कार्य हैं। पहला मेमोरी का प्रबंधन, दूसरा
प्रोसेसर का प्रबंधन, तीसरा यूजर इंटरफेस, तीसरा डिस्क प्रबंधन, नेटवर्किंग और सुरक्षा। ये सारे कार्य संबंधित हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर हम प्रकार देख लें, जो प्रमुख प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, वो क्या कौन कौन से हैं, तो पहला ही सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ नाम हैं एमएस डॉस, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एंड्रॉयड ओएस, विंडो ओएस, एमएससी ओएस, लिनक्स ओएस, उबंटू, पिनपॉइंट, आईफोन ओएस, ग्राफेन ओएस, एंड्रॉयड जेली बेन, एंड्रॉयड किटकैट, इस तरीके से और भी बहुत सारे नाम हैं। अब हम फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई ई पी आर ओ एम, इसमें देखिए इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी रैम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एच डी डी हार्ड डिस्क ड्राइव और एफ डी डी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो ये कुछ फुल फॉर्म थे। अब ये फुल फॉर्म देखिए पूछे भी जाते हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए पहला जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बात की थी इंटरनेट की, जबकि दूसरी इकाई में इंटरनेट और ईमेल का आधारभूत ज्ञान है। तो हमारा ईमेल छूटा हुआ है, तो चलिए इसको भी हम अभी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। मैंने पॉइंट आप लोगों को के साथ साझा किए हुए थे, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यह एक प्रकार से डिजिटल मैसेज होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को इंटरनेट युक्त डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा भेजा जाता है। देखिए विश्व के प्रथम ईमेल को भेजने में इंटरनेट का प्रयोग नहीं किया गया था, और पहला जो ईमेल भेजा गया था उसमें जो वर्ड थे वो थे क्यू डब्ल्यू ई आर टी वाई यू आई ओ पी। आप ध्यान लीजिएगा जो कीबोर्ड के अल्फ़ाबेट की पहली लाइन है वो सेम शब्द की है, ठीक। और इसको 1971 या 72 में दो कंप्यूटरों के बीच अर्पानेट द्वारा रेमन टॉमलिंसन ने पहला मेल भेजा था। देखिए यहाँ मुझे डेटा जो ईयर का है वो सही से नहीं मिल पाया, फिर भी अगर इन दो में से कोई एक डेटा हो तो आप उसको टिक कीजिएगा, और अगर ये दोनों हो तो 1971 के साथ आप लोग जाइएगा। ईमेल खोजकर्ता आधिकारिक रूप से वी ए शिवा अय्यदुरई जी हैं, और एट द रेट चिन्ह जो है रेमन टॉमलिंसन द्वारा दिया गया था। रेमन टॉमलिंसन ने ही पहला मेल भेजा था। ईमेल में जो अटैचमेंट की शुरुआत थी 1992 में थी। अब ये जो फैक्ट है ये मैंने आपसे पिछले वीडियो में भी साझा किए हुए थे। ईमेल आईडी के प्रारूप की हम बात कर लेते हैं, तो कोई भी ईमेल जो होता है वो उसका एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे आप देख लीजिए प्रभात एट द रेट सार्थक क्लासेस डॉट कॉम। इसमें जो पहला पार्ट है उसको यूजर नेम या मेल बॉक्स का नाम होता है, जैसे कि यहाँ पर प्रभात लिखा हुआ है, और इसमें क्या होता है इसके द्वारा उस व्यक्ति का पता चलता है जिसकी यह ईमेल आईडी है, जैसे कि यह ईमेल आईडी अभी आप देख पा रहे हैं प्रभात एट द रेट सार्थक क्लासेस डॉट कॉम। आपको दोस्तों बता दें कि ये मेरी ईमेल आईडी नहीं है, ये केवल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग इस पर मेल भेजने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि वास्तव में ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब यूजर नेम या मेल बॉक्स के बाद एट द रेट का साइन होता है, यह चिन्ह यूजर नेम को सर्वर के नाम या ईमेल को जहां भेजा जा रहा है उससे अलग करता है। उसके बाद जो पार्ट होता है वो डोमेन नेम और डोमेन कोड का होता है। तो जो सार्थक क्लासेस है यहाँ पर लिखा हुआ वो है डोमेन नेम या होस्ट नेम। यह भाग उस सर्वर को दिखाता है जिसके कंप्यूटर में आपका मेल बॉक्स है, जैसे अगर इसकी जगह हो सकता है redmail.com, yahoo.com, तो यह रेडिप या याहू जो भी है ये क्या है सर्वर है जिसके कंप्यूटर में आपका जो मेल बॉक्स है वो स्थित है। और इसके बाद डॉट डॉट जो है पते के भाग को अलग करता है जिससे सर्वर का कंप्यूटर दोनों विभिन्न भागों की पहचान कर सके। और अंत में आता है कॉम, ये डोमेन कोड है, ठीक है। और वेब पेज के प्रकार पर ये अलग अलग होता है, वेब पेज को यह दर्शाता है, जैसे कि देखिए डॉट कॉम है तो कमर्शियल होगा, डॉट ओ आर जी है तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा यानी लाभ रहित संस्था के लिए। और शैक्षणिक संस्थाओं की जो ईमेल आईडी होती है उसमें मुख्यतः डॉट ई डी यू का यूज किया जाता है, डॉट नेट इंटरनेट से संबंधित होता है, और डॉट बिज व्यापार से संबंधित होता है। एक बार फिर से ईमेल आईडी के प्रारूप पर हम जाते हैं, प्रभात एट द रेट
सार्थक क्लासेस डॉट ई डी यू चूँकि एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पर अगर कोई सर्वर होगा तो किस नाम से होगा, डॉट ई डी यू से होगा। तो पहला पार्ट मेल बॉक्स का नाम है, एट द रेट का साइन है और कंप्लीट रूप से सार्थक क्लासेस डॉट ई डी यू डोमेन का नाम होगा। अब कुछ और बातें हैं, देख लेते हैं ईमेल संबंधित। ईमेल आईडी में यूजर नेम यूनिक होता है। ईमेल आईडी में एट द रेट का चिन्ह अनिवार्य रूप से होता है और इसमें स्पेस भी नहीं होता है। कभी कभी ईमेल आईडी लिखने को आ जाती है और उसमें क्या होगा कि स्पेस दे दिया होगा, आपको पहचानना होता है कि आईडी सही है नहीं, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। अब जो हम लोग ईमेल मैसेज भेजते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं, तो देखिए इसमें मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला होता है मैसेज इनवेलप, दूसरा मैसेज हेडर और तीसरा मैसेज बॉडी। मैसेज इनवेलप मैसेज का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट होता है। मैसेज हेडर जो है उसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जानकारी होता है। पुनः इसमें देखिए क्या क्या होता है, तो इसमें टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है और फ्रॉम होता है। तो सबसे पहले टू की बात कर लें तो टू में किसकी आईडी लिखी जाती है, तो टू में जिसको मुख्य रूप से ईमेल भेजा जा रहा है उसकी ईमेल आईडी लिखी जाती है। सीसी यानी कार्बन कॉपी, इसमें मुख्य व्यक्ति के अतिरिक्त अन्य लोगों की ईमेल आईडी होती है जिसे मुख्य व्यक्ति द्वारा भी देखा जा सकता है। यानी यदि आप किसी को मेल लिखते हैं, देखिए होता क्या अक्सर जब आप किसी को उससे कम्युनिकेशन करते हैं, किसी को मेल भेजते हैं, अगर हम थोड़ा सा ऑफिशियली बात करें तो सीसी उससे ऊपर के अधिकारी की जानकारी के लिए भी मेल में डाल दिया जाता है कि हमारा कम्युनिकेशन है, जिसमें कि हमने तीसरे व्यक्ति को भी हमने इन्वॉल्व कर लिया है जिससे कि हम जो हमें जानकारी मिल सके वो पारदर्शिता के साथ प्राप्त हो सके। लेकिन बीसीसी का भी कॉलम होता है, तो देख लीजिए बीसीसी का फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है और इसमें लिखी गई जो आईडी है वो टू और सीसी को तो दिखेगी, ठीक है। मतलब इसमें जो आईडी लिखी जा रही है जिसके पास बीसीसी के अंतर्गत मेल जा रहा है उसको ये पता रहेगा कि ये मेल किसको भेजा गया और किसको इसकी कार्बन कॉपी भेजी गई। लेकिन जो सीसी वाला व्यक्ति है या जो टू टू वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो नहीं जान पाएगा कि ये जो मेल हमारे पास आया है कि बीसीसी में इसमें जो है किसको भेजा गया है। बीसीसी का पार्ट जो है हम ये कहेंगे टू और सीसी वालों को नहीं दिखेगा, तो इसमें लिखी गई आईडी टू और सीसी के व्यक्तियों द्वारा नहीं देखी जा सकती, जबकि बीसीसी वाला व्यक्ति टू और सीसी के व्यक्तियों की आईडी देख सकता है। और अंत में फ्रॉम, फ्रॉम में उसकी भी मेल आईडी रहती है जिसने मेल भेजा हुआ है, तो ये उसको दिखेगा जिसके पास मेल जा रहा है। अंत में बात करेंगे मैसेज बॉडी, तो इसके अंतर्गत जो भी आप लिखते हैं टेक्स्ट, इमेज या फाइल और अटैचमेंट इत्यादि, ये सारा कुछ मैसेज बॉडी के अंतर्गत आता है। अब ईमेल सेवा के आधार, मेरी सेवा के आधार पर ईमेल के प्रकार की बात कर ले, तो देखिए ईमेल जो है सेवा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, पॉप आधारित ईमेल और वेब आधारित ईमेल। क्या है दोनों, इनमें क्या अंतर, इसको समझ लेते हैं। तो जो पॉप आधारित ईमेल है, तो सबसे पहले देखिए पॉप का फुल फॉर्म क्या है, तो पीओपी का फुल फॉर्म जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, यह वेब सर्वरों द्वारा अपनाया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। इसमें इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी द्वारा दिया गया ईमेल खाता होता है जिसे केवल ऐसे कंप्यूटर में खोला जा सकता है जो उसी इंटरनेट प्रदाता कंपनी के सर्वर से जुड़ा हुआ हो। और दूसरी बात यह होती है इसमें कि इस प्रकार के जो ईमेल है को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है और ऑफलाइन मेल तैयार करके ऑनलाइन होकर के उसको भेजा भी जा सकता है। इसमें जो बहुत बड़ी आकार की फाइलें हैं उनको भी भेजा जा सकता है और सामान्यतः अन्य स्थानों से ईमेल को नहीं खोला जा सकता है, अर्थात जिस सर्वर और जिस कंप्यूटर में आपकी ईमेल आईडी है वहीं पर आप इसको खोल सकते हैं, दूसरी जगह से आप जो है पॉप आधारित मेल को नहीं खोल सकते। इसके अतिरिक्त अगर हम वेब आधारित ईमेल की बात करें तो ये वेबसाइटों द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि जीमेल है, रेडिम मेल है, याहू मेल है, ये सारी जो है वेब आधारित ईमेल सेवाएँ। इसमें जो है ईमेल को आप कहीं से भी और कभी भी खोल सकते हैं, किसी भी शहर में जाके आप ईमेल चेक कर सकते हैं। और इसके द्वारा जो भेजी जाने वाली फाइलें उनके आकार और संख्या को कंपनी द्वारा निश्चित कर दिया जाता है, एक लिमिट लगा दी जाती है, तो बहुत अधिक बड़ी साइज़ की फाइलें जो है वेब आधारित मेल से नहीं भेजी जा सकती। इस प्रकार के मेल को केवल ऑनलाइन ही पढ़ा जा सकता है, डाउनलोड करके आप मेल बाद में नहीं पढ़ सकते, किसको, वेब आधारित जो ईमेल होते हैं। तो इस तरीके से दो प्रकार के ईमेल की हमने बात की, पॉप आधारित ईमेल और वेब आधारित ईमेल। अब हम ईमेल से संबंधित कुछ शब्दावली हैं उन पर एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए ईएसपी यानी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर,
हार्ड बाउंस एक अवैध बंद हो चुके या अस्तित्व रहित ईमेल अकाउंट में भेजा गया ईमेल या मैसेज। जैसे अभी हमने आपसे बात की prabhat@sarthakclasses.com, इस पर आप कोई मेल भेजेंगे तो वो हार्ड बाउंस हो जाएगा क्योंकि वास्तव में ये आईडी अस्तित्व में अभी नहीं है। भविष्य की मैं बात नहीं करता हूँ कि सार्थक क्लासेस नाम से मैं वेबसाइट बनवा लूँ और उसके बाद सेम आईडी में वहाँ पर रखूँ, लेकिन वर्तमान में ये ईमेल आईडी अस्तित्व में नहीं है। IMAP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल। MUA, मेल यूजर एजेंट। MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट। ये क्या होता है? ये वो कंप्यूटर है जो ईमेल को प्रेषक से प्राप्तकर्ता और प्राप्तकर्ता से पुनः प्रेषक तक पहुंचाता है। SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम बात कर लेते हैं सॉफ्टबाउंड। सॉफ्टबाउंड वह ईमेल है जो सर्वर के डाउन होने या प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में स्थान न होने के कारण डिलीवर नहीं होता है और प्रेषक के पास वापस आ जाता है। देख, कभी कभी क्या होता है कि जो इन बॉक्स होता है वो फुल होता है, उसमें और अधिक मेल आने की संभावना नहीं होती है क्योंकि उसकी मेमोरी फुल होती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि सर्वर डाउन होता है जिसके कारण वो मेल डिलीवर नहीं हो पाता है। इस कंडीशन में वो मेल भेजने वाले के पास वापस लौट जाता है। तो इस प्रकार के जो बाउंस ईमेल है उनको हम सॉफ्ट बाउंस के नाम से जानते हैं। URL का फुल फॉर्म है यूनिक रेफरेंस नंबर। AOL, अमेरिका ऑनलाइन। ASP, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। CGI, कॉमन गेटवे इंटरफेस, या वेब और वेब सर्वर के मध्य जानकारी का आदान प्रदान करना इसका काम होता है। किसका? CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस का। CTR, क्लिक थ्रू रेट। CPA, कॉस्ट पर एक्शन। CPC, कॉस्ट पर क्लिक। DOC, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। और ECOA, ईमेल चेंज ऑफ एड्रेस। एक वर्ड और बहुत यूज होता है, फिशिंग ईमेल। तो इसको भी जान लेते हैं कि फिशिंग ईमेल क्या है। देखिए, धोखे के द्वारा आपकी निजी जानकारी जैसे पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर आदि ऑनलाइन प्राप्त करने हैं तो आप द्वारा उपयोग की जा रही संस्था के नाम से भेजा गया ईमेल। आप लोगों ने चेक किया होगा, कभी कभी आपकी ईमेल आईडी में कुछ ऐसे ईमेल आ जाते होंगे जो आपकी किसी बैंक के नाम से होंगे या किसी अन्य संस्था के नाम से होंगे, बट वास्तव में ऐसे क्या होते हैं, फिशिंग ईमेल होते हैं। और इन पर आप अगर क्लिक करते हैं तो इनके द्वारा भेजा गया सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है। तो हैकर्स द्वारा ऐसा किया जाता है। तो इस तरह के कोई अनजान मेल अगर आपके पास आता है तो उसको ना खोलने की सलाह दी जाती है। बात करेंगे Base64। तो यह इनकोडिंग एवं डिकोडिंग की एक विधि है जिसका उपयोग इंटरनेट पर ट्रांसफ़र किए गए बाइनरी डेटा को ASCII तो यानी टेक्स्ट फॉर्मेट में बदलने हेतु किया जाता है। और इसका मुख्यतः अटैचमेंट हेतु इसका प्रयोग किया जाता है Base64 का। ASCII, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसका उपयोग DNS नेटवर्क पर सादे टेक्स्ट में उपयोगकर्ता का नाम और पासवर्ड भेजने में किया जाता है। APOP, ऑथेंटिकेटेड पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, या POP से अधिक सुरक्षित है। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका जो कार्य क्या है, भेजे गए मेल को अंतिम गंतव्य तक निर्देशित करना। ईमेल कंप्यूटर नेटवर्क पर प्रकाश की चाल से चलता है। और जीमेल सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली ईमेल सर्विस है। ईमेल सर्विस के फायदे क्या क्या हैं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इसका जो उपयोग है वो काफ़ी आसान और सरल है। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज रखने में भी मदद मिलती है ईमेल से, और समय एवं धन की भी बचत होती है। तो दोस्तों, ये था इकाई 2 से संबंधित जो आपका ICT था, साथ ही साथ जो ईमेल था, कंप्यूटर, इन सारे पॉइंट को। और जो आपका तीसरा टॉपिक है इकाई 3 से संबंधित सब संक्षेपण, तो उसको भी मैंने इन 2 वीडियो में कवर किया है। देखिए, वैसे तो दोस्तों आपका जो सिलेबस है इकाई 3 का, वो मैंने इस वीडियो के साथ ही कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी भी एक कमी है, उसको भी मैं जल्दी पूरा करूँगा। और वो क्या है कि पिछले जो विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, वन लाइनर प्रश्न है, प्रैक्टिस सेट है, तो ये भी जो है समय के साथ आपको मैं उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा। अंत में दोस्तों, अगर आप हमारे साथ UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में GK पार्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको सभी नोट्स, बोथ लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, प्रैक्टिस सेट, क्विज, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो GK के सिलेबस अकॉर्डिंग है, तो अगर आप चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9506543831 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यह एक हमारी पेड सर्विस है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।